दोस्तों भगवान भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं। अगर कोई प्रेम से श्रद्धा से उन पर एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी लोग जानते ही हो कि तपस्या करने पर उन्होंने राक्षसों को भी वरदान दिया है। आज मैं आपको जो भोलेनाथ का उपाय बताने वाली हूँ उसका प्रयोग आप अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में शादी के बाद शुरू शुरू में बहुत अच्छा चलता है, दोनों ही एक दूसरे की बात खुशी खुशी मानते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कि रिश्ते में अहम आ जाता है, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें खराब लगने लगती हैं, दोनों में से एक भी झुकना नहीं चाहता या जो झुकता है दूसरा उस पर बार बार हावी होने की कोशिश करता है। खास तौर से पति ऐसे होते हैं कि वो पत्नी के मुंह से ना सुनना ही नहीं चाहते। वो दिन को रात कहे तो रात कहो, वो रात को दिन कहे तो दिन कहो। अगर आपने गलती से भी दिन को दिन और रात को रात बोल दिया तो बस पति इसी में नाराज हो जाते हैं कि आपने उनकी बात काट दी। चाहे वो दिन भर आपकी कोई बात ना चलने दे, लेकिन आपसे उम्मीद यही रखेंगे कि आप उनकी कोई बात ना काटें। अगर आपके पति ऐसे हैं तो ये उपाय आपके लिए है, अगर आपकी पत्नी ऐसी है तो भी ये उपाय आपके लिए, लेकिन अगर आप खुद ऐसे हैं तो अपने आप को थोड़ा बदलिए, अपने व्यवहार में थोड़ी नरमी लाइए और इस उपाय को खुद पर ट्राई कीजिए। दोस्तों जिंदगी बहुत छोटी है, प्रेम से कट जाए तो अच्छा है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो इस उपाय से दूर हो जाती है। इससे फर्क आपको खुद दिखाई देगा अपने साथी के नेचर में। इस उपाय को आप कम से कम 9 सोमवार कीजिए नियम से। अगर आप सावन में इसे कर रहे हैं तो आप इसे डेली भी कर सकते हैं, क्योंकि सावन के सभी दिन भगवान शिव को ही समर्पित होते हैं। इन दिनों आप कभी भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। अगर आप डेली करें तो कम से कम 21 दिन तक लगातार करें। आपको करना क्या है, आपको तुलसी की थोड़ी सी मंजरी लेनी है, उसे एक लोटा जल में डाल लेना है। मंजरी आपको अपने घर से ही लेनी है और जल भी आपको अपने घर का ही लेना है। जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें। अब अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तब तो ठीक है, नहीं तो आप किसी पास के शिव मंदिर में चले जाएं। वहां पर शिवलिंग का इसी मंजरी मिले जल से अभिषेक करें और साथ में एक बर्तन शिवलिंग के नीचे रखें ताकि ये जल थोड़ा सा उस बर्तन में आ जाए। ये बहुत जरूरी है, तभी तो आप कोशिश करें कि यदि आपके घर में शिवलिंग हो तो ये विधि आप अपने घर पर ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, बाद में उस जल को लेकर अपने घर आ जाएं और अपने सामने रखकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब वो जल पूरी तरह से अभिमंत्रित हो चुका है, आप इस जल को किसी भी तरह बिना बताए अपने पति को पिला दें। यकीन माने इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका रिश्ता मधुर बनेगा। दोस्तों ये कोई तंत्र विद्या नहीं है, बल्कि सिर्फ भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आप इस चढ़े हुए जल को चाय में, दूध में, पानी में किसी भी तरह मिलाकर पिला सकते हैं। ये काम आपको सुबह करना है। अब शाम में आपको एक छोटा सा हवन करना है और हवन आपको गूलर की लकड़ी से करना है। आप गूलर की लकड़ी ले लें, हवन सामग्री और गाय का घी ले लें। अब आपको शिव गायत्री मंत्र बोलते हुए अग्नि में 108 आहुतियाँ देनी है। शिव गायत्री मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, ओम हे महापुरुष, देवों के देव भगवान रुद्र, मैं आपको नमन करता हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो और मेरे मन को रोशन करो। इस हवन को करने से आपकी बड़ी सी बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाता है। इससे आपके बेचैन मन को शांति मिलती है। अनजाने में भी अगर आपसे कोई पाप हो गया है तो उस पाप के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन में सुख समृद्धि, मानसिक शांति, यश, धन लाभ, पारिवारिक सुख आदि की प्राप्ति होती है। इस हवन को पति पत्नी एक साथ करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे अकेले भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पति के लिए इस प्रयोग को कर सकती हैं, लेकिन अगर आप मेल हैं और आपकी पत्नी का बिहेवियर आपके प्रति ठीक नहीं है तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर शादी टूटने की नौबत आ गई है तब भी यह प्रयोग काम करता है। दोस्तों शादी का टूटना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसका असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मन को शांत करके इस उपाय को जरूर करें। इसके बाद आप अलग होना तो दूर बल्कि अलग होने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि ये गलती आप बिल्कुल ना करें। हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और अति शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं,
लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो भोलेनाथ को छलता है उससे विष्णु भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, वो किसी न किसी तरह उसका सर्वनाश कर ही देते हैं। इसलिए यदि आप भगवान शिव की पूजा किसी कामना की सिद्धि के लिए या अपने किसी बिगड़े कार्यों को बनाने के लिए कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे में आपके पक्ष का ईमानदार होना बेहद जरूरी है। कभी भी भगवान शिव की पूजा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी बुरी भावना से मत करिए। भोलेनाथ तो आशुतोष कहे जाते हैं, भक्त किसी भी भावना से उनकी पूजा करे वो प्रसन्न हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी बुरी भावना से भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपने कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो विष्णु भगवान आपसे रुष्ट होंगे ही होंगे, ये 100% सत्य है। इसलिए कोशिश करें कि किसी का भी बुरा करने के लिए इस पूजा को ना करें। ये उपाय आप 9 सोमवार कीजिए। अगर आप डेली में करना चाहते हैं तो 21 दिन कंटिन्यू करें। अगर आप इसे सावन में करना चाहते हैं तो इसके लाभ आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। सावन में किसी भी समय आप इसे कर सकते हैं। इस उपाय से आपको शादीशुदा संबंधों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आपका साथी कितना भी गुस्सेबाज क्यों ना हो, उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है और आपको महसूस होगा कि आपके प्रति उसका लगाव बढ़ रहा है। अगर आप दोनों पति पत्नी के बीच कोई तीसरा भी आ गया है तो भी यह उपाय करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ आप अपने व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन लाइए। कोई भी कटाक्ष एक दूसरे पर ना करें और सबसे जरूरी बात, पुरानी बातें ना उखाड़े, क्योंकि अगर पुरानी बातें उखाड़ते रहेंगे तो रिश्ता कभी मधुर नहीं होगा। पुरानी बातें भूलेंगे तभी तो नई शुरुआत होगी। ऐसे ही और उपाय मेरे चैनल पर आते रहेंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सावन में ऐसे ही बहुत सारे उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस परमात्मा पर अपना विश्वास बनाए रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।